दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सिसोदिया को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शराब घोटाला का यह मामला, आपको बता दें कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। आज एक बड़ा रोड शो करते हुए सीबीआई के दफ्तर तक पहुंचे थे मनीष सिसोदिया, और रोड शो में आम आदमी पार्टी के काफी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लेकिन पूछताछ के बाद आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम है, शराब घोटाला मामले में पूछताछ लगातार चल रही थी और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल शराब नीति पर कई सवाल थे जिसका जवाब देने के लिए लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही थी। आज करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। शराब नीति पर सवाल ये थे कि थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% फिक्स किया गया, बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ाने के आरोप लगे, शराब सरकारी दुकानें नहीं केवल निजी दुकानें में बेची जाएंगी, ये भी नीति लाई गई थी। शराब दुकानदार भारी रियायत पर शराब बेच रहे थे, डिस्काउंट दिया जा रहा था, 1+1 का मामला चल रहा था, कहीं और इससे भी ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा था, पहले से ज्यादा बड़ी दुकानें खुली और उसके बाद ये चर्चा पूरा बढ़ती चली गई है पूरी चर्चा। और इसी मामले को लेकर, शराब नीति को लेकर एलजी के पास शिकायत की गई थी। एलजी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ है। कुमार, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही थी सीबीआई हेडक्वार्टर में, तकरीबन 8 घंटे के करीब ये पूरी पूछताछ हुई है। और उसके बाद दिल्ली के जो आबकारी घोटाला था उसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अब मनीष सिसोदिया को जो है कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट में पेश करने से पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा। फिलहाल देखना यही है कि मनीष सिसोदिया को क्या सीबीआई रात में ही कोर्ट में पेश करेगी या फिर सुबह जो है सीबीआई की अदालत में जो है सीबीआई के सामने के जज के सामने जो है पेश किया जाएगा। तो रिमांड भी जो है मांग सकती है। तो ये तमाम अभी खबरें आ रही हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि इस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके ऊपर लगातार आबकारी घोटाले का आरोप लग रहा था, दिल्ली की शराब नीति को लेकर घोटाला करने का आरोप लग रहा था, अपने लोगों को जो है फायदा पहुंचाने का आरोप था, उस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले जो है कई लोगों से पूछताछ हुई थी, कई लोग इसमें अरेस्ट भी हुए थे, और उसके बाद अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का बजट आना और उससे पहले जो है यह बड़ी गिरफ्तारी, क्योंकि मनीष सिसोदिया वित्त मंत्री भी हैं दिल्ली के, तो ऐसे में यह गिरफ्तारी आबकारी घोटाले में बड़ी गिरफ्तारी है। जी 8 घंटे से पूछताछ, कुमार, आज चल रही थी और उसके बाद आज गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले बड़ा रोड शो हमने देखा। फिलहाल क्या सीबीआई दफ्तर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए? वहां क्या स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए, सुबह से ही यहां पर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है। दिल्ली पुलिस के कई जिलों की, चाहे वो साउथ दिल्ली हो, साउथ ईस्ट हो, इसके अलावा नई दिल्ली सेंट्रल और यहां तक कि रोहिणी जिले तक से जो है एक्स्ट्रा फोर्सेस को बुलाया गया है। इसके साथ साथ जो पीटीसी के यानी कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जो अधिकारी तैनात हैं, जो पुलिस अफसर तैनात हैं, उनकी भी तैनाती यहां की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन रहे। जो सीबीआई हेडक्वार्टर है, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं कि सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास की जो सुरक्षा है वो कितनी पुख्ता कर दी गई। आप देखिए कि यहां पर तमाम पुलिस के अधिकारी और जवान खड़े हुए हैं, यहां से आगे किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा सीबीआई हेडक्वार्टर की आपको तस्वीर दिखा दूं कि यहां से ये आप जो कैमरे में देख रहे हैं बिल्डिंग जिसमें लाइटें जल रही हुई हैं, ये दरअसल सीबीआई मुख्यालय है और यहीं पर ही मनीष सिसोदिया से सुबह से पूछताछ की जा रही थी और फिलहाल अब गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरा कॉर्डन ऑफ है और खुद जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहां के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी कार्यकर्ता ना पहुंचे। और सबसे बड़ी आशंका यही है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जैसे ही ये खबर फैलेगी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और उनके जो लोग हैं उनमें, तो ऐसे में उनके यहां पहुंचने की आशंका ज्यादा है। तो ऐसे में अलग से जो एक एक्स्ट्रा फोर्स यहां पे बुलाई गई, खासतौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बुलाए गए ताकि किसी भी तरीके से कोई। ठीक है कुमार, आपके पास वापस लौटेंगे। अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।